और स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ। जी हमने पढ़ना है ग्लाइकोसाइड, हम पॉइजनस प्लांट पढ़ चुके हैं। अब हमने आज स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 10। हमने थेरापूटिक वो प्लांट्स पढ़ने हैं जिनके थेरापूटिक इफेक्ट्स हैं, जो हमें फ़ायदा देते हैं या उनको हम डिफरेंट डिजीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हमारे पास पहली क्लास है ग्लाइकोसाइड्स। ये दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक हैं ये। ऑर्गेनिक मीन्स ये कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। अबंडेंटली प्रेजेंट इन प्लांट, प्लांट में कसरत से पाया जाता है। ऑन हाइड्रोलिसिस दे यील्ड द शुगर कंपोनेंट कॉल्ड ग्लाइकोजन एंड नॉन शुगर कंपोनेंट कॉल्ड ए ग्लाइकोजन। वो कह रहे हैं जो ग्लाइकोसाइड है ना, माइक म्यूट कर दें। जो ग्लाइकोसाइड है, पहली बात तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। प्लांट से हम इनको लेते हैं और इसमें यह है कि ऑन हाइड्रोलिसिस मतलब जब इसमें ब्रेक डाउन हो रही होती है तो इसके दो बेसिकली कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है शुगर कंपोनेंट और एक है नॉन शुगर कंपोनेंट। जो शुगर कंपोनेंट है वो ग्लाइकोजिन है और जो नॉन शुगर कंपोनेंट है वो ए ग्लाइकोजिन है। और इसमें जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है ना, जो एक्टिविटी है, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी है, वो नॉन शुगर पार्ट की होती है जो कि है हमारे पास ए ग्लाइकोजन। समझ आ गई है? मैम लास्ट में आपने क्या बताया कि ग्लाइकोजन थेरेप्यूटिक इफेक्ट है? एक ग्लाइकोजन जो होता है उसका थेरेप्यूटिक एक्टिविटी होती है। जो ग्लाइकोजन है ना वो शुगर कंपोनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी जो ग्लाइकोसाइड है, इसकी तीन क्लासेस हैं। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, जिसमें सेना है, एलो है, रुबाब है। ये तीन प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं। सेकंड हमारे पास क्लास है कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड। डिजिटेलिस और स्ट्रोफेंथस में कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड है। और थर्ड हमारे पास टाइप आ जाती है सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की। अब कुछ प्लांट हमने वो प्लांट्स डिस्कस करने हैं जिनके अंदर ग्लाइकोसाइड्स हैं। सबसे पहले हमारे पास सेना है, ड्रग केमिकल क्लास है ग्लाइकोसाइड। सिनोनिम है इसका अलेक्जेंड्रियन सेना या टिन वैली सेना। क्या नाम है इसका? अलेक्जेंड्रियन सेना या टिन वैली सेना। बायोलॉजिकल सोर्स की हम बात करें तो ये जो प्लांट है केशिया एक्यूटिफोलिया है। अलेक्जेंड्रियन सेना जो है इसका नाम है केशिया एक्यूटिफोलिया और टिन वैली सेना का नाम है केशिया अंगस्टिफोलिया। ये उन प्लांट्स के हम बेसिकली लीफ इस्तेमाल करते हैं, ड्राई लीव्स इस्तेमाल किए जाते हैं। फैमिली है इसकी लेगुमिनेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसके अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिसकी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी है या जिसको हम एज ए मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर पाया जाता है सेनोसाइट्स ए बी सी एंड डी। इसके अलावा इसमें पाया जाता है एलो एमोडिन ग्लाइकोसाइड। मेडिसिनल यूज़ की हम बात करें तो कैथार्टिक, लग्जेक्टिव और परगेटिव यूज़ के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए असाइनमेंट है। अब ये मैं बता देती हूँ, कैथार्टिक, लग्जेक्टिव और जो परगेटिव हैं, ये तीनों टर्म्स जो हैं वो कॉन्स्टिपेशन की रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, मतलब कब्ज, कुशाएं। अब आपने ये सर्च करके आना है इन तीनों की एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, कैथार्टिक क्या चीज़ होते हैं, लग्जेक्टिव क्या है और परगेटिव क्या है। तीनों का काम सेम है, कॉन्स्टिपेशन की रिलीफ है, लेकिन उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो चेंज होगा। ये आप सर्च करके लाओगे, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। आप लोग अगर उसको नहीं सही से क्लियर करोगे तो फिर मैं आप लोगों को क्लास में समझा दूंगी। समझ आ गई? ओके। इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं है, कुछ पूछना हो आपने या किसी पॉइंट की समझ ना आई हो? मैम मैकेनिकल क्या कहा आपने? मैंने कहा है कि इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, काम करने का अंदाज अलग है, टारगेट एक ही है, कॉन्स्टिपेशन की रिलीव है, लेकिन तरीकाकार चेंज होगा। आपने ये देख के आना है कि कैथार्टिक, परगेटिव और जो लग्जेटिव हैं, तीनों में क्या डिफरेंस है, ये तीनों किस तरह से रोल प्ले करते हैं, ठीक है। Thank you.